गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं शुभ्रा और आप देख रहे हैं द कैमरा स्टोरी। और आज है संडे और मैंने फुल ऑन संडे के मज़े लिए। सुबह से इतने रील्स और इतने वीडियो देखे ना मैंने, आज मैंने यही किया है। लेकिन पता है, एक बहुत ही खराब वीडियो देखा मैंने और फिर मैंने सोचा ये बकवास है। फिर मैंने उसकी रिसर्च करी और इतने सारे वीडियोस, इतना सारा कंटेंट है उस टॉपिक पे। आप लोग अगर ब्लॉग्स देखते हो ना तो गौरव तनेजा को आप ज़रूर जानते होंगे। गौरव तनेजा, रितु राठी, दे आर गेटिंग सेपरेटेड और इतने सारे वीडियोस उनके बारे में इस टाइम पे सोशल मीडिया में है। उन्होंने इनडायरेक्टली इंस्टाग्राम पे अनाउंस किया है, मगर इनडायरेक्टली, और उसको भी मतलब ऐसे प्रॉपर सेपरेशन नहीं मान सकते। माइट बी मैं बहुत ज़्यादा ओवर पॉजिटिव इंसान हूँ इसलिए मुझे लग रहा है, मगर बहुत बहुत खराब न्यूज़ है ये। हम लोग आज बहुत ज़्यादा फन करने वाले हैं। वीर अपने टाइमों से फ्रेंड्स से मिलने वाला है। वीर इज सो एक्साइटेड, मगर वीर को पता नहीं है कि वीर किससे मिलने वाला है। और सबसे मज़े की बात यह है कि वीर को मेट्रो में जाना बहुत पसंद है। हम लोग मेट्रो में जा रहे हैं। मेट्रो गाड़ी हैज बिकम अ वेरी टीडियस टास्क। अभी मैंने टोकन लिया है क्योंकि वो इन्होंने जो एयरटेल वाला ताम झाम बचाया है ना, अभी कह रहे हैं एक दो दिन के बाद आपको नॉर्मल कार्ड मिल जाएगा। अगर वो कार्ड है तो एक इंसान एक से ज़्यादा कार्ड नहीं ले सकता, वो उसको रिचार्ज करना भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अभी टोकन लिया है, क्या करें। अभी हम एक कॉफी हाउस में आए और वीर को कॉफी पीनी है स्ट्रॉ से, तो हम आए एक स्ट्रॉ लेने। इसको ओपन करो, ओपन करो, ओपन करो, ओपन करो, यहाँ से ओपन होगा। हाँ, निकालो स्ट्रॉ। मेट्रो कार्ड चाहिए लेकिन वो एयरटेल वाला नहीं चाहिए, वो बहुत ही। हाँ, एयरटेल यहाँ नहीं मिलेगा, वो मिलेगा मेट्रो का ही मिलेगा। यहाँ पे एयरटेल की सर्विस बड़ी बेकार है, बहुत खराब है, बहुत खराब है। यहाँ के मेट्रो कार्ड है वो क्यों नहीं मिल रहे हैं, मतलब जो मेट्रो के मेट्रो कार्ड है वो बेच ही नहीं रहे सारे, वो वही एयरटेल वाले बेच रहे हैं। अरे हमें नहीं चाहिए, वो बहुत इरिटेटिंग है, बहुत प्रॉब्लमेटिक कार्ड है। बहुत गलत चीज का प्रमोशन कर रहे हैं, एयरटेल का प्रमोशन के चक्कर में मतलब पूरी मेट्रो की सर्विस की लंका लगाती है। वो कार्ड ना ढंग से रिचार्ज होते हैं, ना उनकी सर्विस सही है, और सारे स्टेशन पे झूठ बोलते हैं कि बोलते हैं एक दिन में दो दिन में आ रहे हैं और देते ही नहीं है। इतना मजेदार वीकेंड हो गया और हम लोग बहुत सारा ढेर सारा घूम के अब हम लोग जा रहे हैं घर, है ना वीर। चलो हम कैंडी आप लोग दिलाते हैं वीर को, है ना। चलो फाइनली हम आ गए अपने स्टेशन पे और अब हम लोग चल पड़े घर की ओर। मेट्रो स्टेशन पे जो ये जबरदस्ती एयरटेल वाले कार्ड्स बेच रहे हैं ना, ये बहुत ज्यादा अनोइंग है, बहुत ज्यादा इरिटेटिंग है। और कुछ भी क्लियर नहीं बता रहे कि जो मेट्रो स्टेशन के इनके खुद के कार्ड हैं वो कब मिलेंगे, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। हर कोई मतलब मैंने कई मेट्रो स्टेशन पे पूछा है, हर कोई बहुत ही वेग सा आंसर दे रहा है कि दो तीन दिन के बाद आने शुरू होंगे ऐसा कुछ। और जबकि ये एयरटेल वाले कार्ड बहुत इरिटेटिंग है, मतलब इनकी सर्विस बिल्कुल भी स्मूथ नहीं है और ये ज़बरदस्ती मेट्रो इन कार्ड्स को प्रमोट कर रही है। एक बहुत ही खूबसूरत दिन का दी एंड और आपसे मिलेंगे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।